बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। माहिरा ने बिग बॉस के घर में अपनी लाइफ से जुड़े बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं। अपनी मम्मी से जुड़ी हुई बातें, अपने बचपन की जुड़ी बातें, अपनी फैमिली से जुड़ी कई बातें, अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजों के बारे में शेयर किया है। और अब माहिरा शर्मा अपने स्कूल डेज के बारे में बात करती हुई नजर आई। माहिरा ने बताया ये बात आरती और सिद्धार्थ शुक्ला को जब वो किचन में बातें कर रहे होते हैं। माहिरा ने बताया कि ये कश्मीर की बात है, तब हम कश्मीर में रहा करते थे और हमें शिफ्ट होना था जम्मू में, और हमारी एक टीचर थी दिलबरा मैम, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी। मेरी मम्मी ने मुझे घसीट के लेके आया है वहाँ से, क्योंकि मैं आई नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दिलबरा के बिना रह ही नहीं पाऊंगी। इस पर सिद्धार्थ ने पूछा कि तेरी एज क्या थी, उन्होंने बताया कि 2.5-3 साल। इस पर आरती और सिद्धार्थ कहते हुए नजर आए कि मेरे मम्मी डैडी तो इतने अमीर नहीं थे कि हमें 2.5-3 साल की एज में ट्यूशन टीचर लगा के दे, वैसे भी तो ट्यूशन में पढ़ती क्या होगी। माहिरा ने बताया कि मैंने 2.5 साल की एज में ही अपनी स्टडी शुरू कर दी थी, और कश्मीर में क्या होता है ना कि ठंड के मौसम में स्कूल नहीं खुलते हैं, और हमारे वहाँ पे एरिया ऐसा होता है कि आमने सामने घर लकड़ी का घर था दिलबरा का, और वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होती है, 1 रुपए में यहाँ से वहाँ जाना, बहुत सारी चीजें सस्ती होती है, बट वहाँ पे जमीन महंगी होती है। और जब मेरी मम्मी मुझे दिलबरा से दूर लेके आ रही थी ना, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे थे, उन्होंने पता क्या बोला कि अब तो तू जा रही है, अब दिलबरा मेरी फेवरेट टीचर, उनके पास मैं रहूंगी, तो मैंने उसकी आंख में उंगली डाल दी थी। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, तभी यार तुझे तभी से बचपन से ही उंगली डालने की आदत है तुझे। और यहाँ पर ये तीनों खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।